हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी ने अपना थंबनेल और टाइटल अच्छे से देखा होगा कि आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव एंड मेन पर्पज क्या है, एक बार फिर आप सभी को बता देता हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट बजाना सीखेंगे। सिंपल बोले दोस्तों, अपने ध्यान से जो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को सिंपली बताता हूँ कि क्रिकेट किस तरह से आपने प्ले करना है। सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपरली एक एक बोलो को बताऊंगा किस तरह से आपने इसे ढोलक पे प्ले करना है। तो इस तरह से आपने देखना है, दोस्तों इस क्रिकेट के बोल कुछ इस तरह से है। धा तेरे किट तक तेरे किट, 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 धा तेरे किट पहले दोस्तों, जो हमारा क्रिकेट होता है उसके अंदर जो है हमारे चार बोल आते हैं, ती रा की ट, ठीक है, ये चार बोल होते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है या फिर किस तरह से जो है ढोलक पे क्रिकेट को प्ले किया जाता है, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपने ध्यान से जो वीडियो को देखना है, जैसे कि क्रिकेट बोल है, इसे बोलने के लिए तो एक सेकेंड लगता है, बट अगर इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको 10 साल 15 साल 20 साल भी इसे सीखने के लिए लग सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो को जो प्रॉपरली देखें कि किस तरह से जो है कौन से बोलो को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट को सीखना इतना ज़रूरी है कि जहाँ पे भी आप ढोलक प्ले करते हैं वहाँ क्रिकेट का यूज़ किया जाएगा। चाहे आप घर में प्ले कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम में हो, चाहे कहीं पर भी आप ढोलक अगर आपने पकड़ा है तो आपको क्रिकेट कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर बजाना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ कि आपने वीडियो को जो लास्ट तक देखना है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप करें, ठीक है। तो दोस्तों इन बोलों को आपने ढोलक पे कुछ इस तरह से प्ले करना है, धा तेरे की ते तक तेरे की ते, 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 धा तेरे की ते तक तेरे की ते। प्रॉपरली दोस्तों आपको बताता हूँ इस तरह से आप ढोलक के मदीन साइड सबसे पहले देखिए, धा ती रा की ता ता ढोलक के बेस साइड का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, धा ती रा की ता 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 ती रा की ता, इस तरह से प्ले करना है। स्टार्टिंग के डेज में दोस्तों आपने इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करनी है, धा ती रा की ता 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 ती रा की ता, धा ती रा की ता 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 ती रा की ता। जितना प्रेशर दोस्तों आप स्टार्टिंग के बोल पे देते हैं उतना ही आपने जो है इन बाकी बोल पे भी देना है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग का तो आप लाउड प्ले करेंगे और बाकी जितने बोले उन्हें आप बिल्कुल ही इस तरह से प्ले करें, इस तरह से नहीं प्ले करना है। मुझे आप देखें उसके बाद आपने ढोलक पे अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अंदर वाले बोलों को बिल्कुल ही सॉफ्ट प्ले करेंगे तो आपकी क्लैरिटी तो मिस होगी और आपके बोल में भी कुछ एक बोल ऐसे होंगे वे आपके फास्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको तो आपने जो दोस्तों अगर आप अंदर वाले बोलों को जो है सॉफ्टली प्ले करेंगे कुछ इस तरह से, धा तेरे की ते तक तेरे की ते तक तेरे की, धा तेरे की ते तक, इससे क्या होगा दोस्तों आपके हाथों में जो प्रॉपरली प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर के लिए आपने क्या करना है कि धा तेरे की ते तक तेरे की ते, धा तेरे की ते तक तेरे की ते, धा तेरे की ते तक तेरे की ते, इस तरह से प्ले करना है, धा तेरे की ते तक तेरे की ते, धा तेरे की ते तक तेरे की ते, धा तेरे की ते तक तेरे की ते, धा तेरे की ते तक तेरे की ते। Thank you.
बार दोस्तों मैं आपको ढोलक के BSL का भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है प्ले करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से प्ले करना है। धा तेरे किटे तक तेरे किटे, 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 धा तेरे किटे तक तेरे किटे। जो धा है, धा में आपने ढोलक के मदीन साइड है वो आपको ओपन आना चाहिए, ठीक है। धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर मैं आपको ढोलक के मदीन साइड का बता देता हूँ। जैसे कि हमारा बोल था धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे, धा तेरे किटे तक तेरे किटे। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने आपको तिरकिट की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बोलों को बताया। इनकी आपने रेगुलर 10 या 15 दिनों में जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यू प्रैक्टिस से क्या होगा दोस्तों कि अगर आपको तिरकिट बजाना नहीं आता है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप 10-15 दिनों के बाद या एक मंथ के बाद आपको तिरकिट बजाना आएगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग के डेज में आप बिल्कुल ही जितना हो सके कि अपनी स्पीड को लो रखने की कोशिश करें। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जब आपके हाथों में कोई भी पैटर्न परफेक्टली आ जाता है तो आप उसकी स्पीड को जो है मैक्सिमम रख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड पर ढोलक बजाना चाहते हैं, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आप सभी के लिए फ्यूचर में वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।